हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा और आज मैं बनाने जा रही हूँ झारखंड का फेमस रेसिपी धुतका। ये बहुत ही टेस्टी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और मेरी रेसिपी को पूरा देखिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बनाते हैं। धुतका बनाने के लिए हमें चाहिए चावल 1 कप। चावल आप कोई भी ले सकते हैं। 1/2 कप चना दाल, 1/4 उड़द दाल। इसे हमें मिक्स करके अच्छे से धो लेना है। हमने धो लिया है, अब हम इसे भिगा के रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। हमारा चावल दाल फूल गया होगा। इसमें से पानी निकाल लेंगे और इसे पीस लेंगे। इसमें हम 2 हरी मिर्च और अदरक डालेंगे और थोड़ा पानी डाल के इसे पीस लेंगे। फिर हम बैटर को पीस लेते हैं। बैटर को हमने पीस लिया है, इसे बहुत ही चिकना पीसना है। बैटर को ना ज़्यादा गाढ़ा रखें और ना ही पतला करें, जैसे हमने किया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और 1/4 हींग डालेंगे इसमें। इसमें हम धनिया डाल देंगे कट करके। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम पैन में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें बैटर डालेंगे। बैटर को एक ही तार में डालना है जैसे हमने डाला है। दूसरा बैटर डाल दें। मीडियम फ्लेम में हमें इसे पकाना है। जैसे ही नीचे का इसका लेयर सेट हो जाए, आप इसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करें और तेल को ऐसे डालें जैसे मैं कर रही हूँ। इसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें चावल दाल है ना, इसके वजह से। नॉर्मल जो पूड़ी होती है वो जल्दी से हो जाती है, बट इसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जितने ही अच्छे से पकेंगे उतना ही टेस्ट आएगा इसमें। देखिए हमारा कलर आ चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे। हमें इतना ही फ्राई करना है इसको। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा से हुआ है, एकदम फूला फूला, कितना अच्छा लग रहा है। हमने इसे प्लेटिंग कर लिया है। आप इसे चने की सब्जी के साथ या आलू मटर की सब्जी के साथ या नॉर्मल आलू की सब्जी के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और बनाइए और सबको खिलाइए।